जी नमस्ते। इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। तो सुपीरियर सोसाइटी के सबसे सुपीरियर व्यक्ति के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वो है केशव अरोड़ा। केशव अरोड़ा फ्रॉम यमुना नगर। केशव अरोड़ा 20 साल के हैं। 11 ट्वेल्थ में साइंस मैथ्स पढ़कर अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। उसके अलावा बांसुरी बजाना जानते हैं, गिटार बजाना जानते हैं। गिटार पर वो ग्रैटिट्यूड तक बजा लेते हैं। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड है ना, वो बजा लेते हैं। उसके अलावा ही इज़ एसोसिएटेड विद सुपीरियर सोसाइटी फॉर अबाउट 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स नाउ। उसके अलावा वो अच्छी स्केचिंग कर लेते हैं, एनिमेशन बना लेते हैं, और सनातन धर्म की जो भी मान्यताएं हैं, जो भी थ्योरीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने में मतलब इच्छा रखते हैं। उसके अलावा नो फैप पर भी उनका अच्छा अनुभव रहा है। 20 साल की उम्र है इनकी। तो केशव अरोड़ा को मैं सबसे सुपीरियर आदमी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो मैंने अपनी दृष्टि से 5 साल से सुपीरियर सोसाइटी को जब से देखा उसमें किसी ने नहीं कर दिखाया। इतना बड़ा काम ये है कि सड़क पर जाकर कुछ बेचना। सड़क पर जाकर जब आप कुछ बेचते हैं तो वो आपके एकदम से चक्रों को खोल देता है। ये चक्र एक्सरसाइज है। मतलब सड़क पर यदि आपने बेच लिया कुछ तो एक तो, और पढ़ा लिखा आदमी 11 ट्वेल्थ में साइंस मैथ्स पढ़ रहा है भाई, IIT की कोचिंग कर रहा है, उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, ऐसा आदमी, वैसे जो कोई गरीब आदमी जैसे खाने के लाले पड़ रहे हैं वो तो बेच ही लेगा, और वहाँ पर भी उसके चक्र खुल गए एक तरीके से। लेकिन वो फिर बेचता रहता ज़िंदगी भर, उसके चक्कर बस उतने ही खुले रहते और नहीं खुलते। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा है, 11 ट्वेल्थ में साइंस मैथ्स पढ़ा है, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है, और अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, शहरी, वो आदमी पार्क के बाहर खड़ा होके साइकिल, वो वाली साइकिल, ये वाली ऐसे हैंडल जिसका होता है दूध वाली, तो साइकिल पे ले जाकर भेलपुरी जब बेच रहा है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस एकदम शॉर्ट अप होता है। उसका जो कॉन्फिडेंस है एकदम से शॉर्ट अप होता है। उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं कुछ भी करके अपना सर्वाइवल तो निकाल ही लूँगा। और सर्वाइवल क्या होता है, फर्स्ट डे जब केशव अरोड़ा गए तो 7 बजे से 9:30 बजे उन्होंने 2-2.5 घंटे में 250 रुपये की सेल्स की, और अगले दिन उन्होंने 445 रुपये की सेल्स की, पता नहीं 2 घंटे में 4 घंटे में, और साथ में वो बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी बजा बजा के वो भेलपुरी सेल कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने अपना डाल दिया कि मैं नेहरू पार्क के सामने खड़ा हूँ इतने बजे से इतने बजे तक, ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आ जाओ, फ़ोन कर लेना। और समझ गए ना, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। मतलब जैसे कि लोगों को मैं बोलता हूँ चुनाव लड़ो, तो चुनाव लोग इसीलिए नहीं लड़ते, बेसिकली लैक ऑफ करेज है, कायरता है। तो मैंने उनको लड़कर दिखा दिया कि यार कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि मेरे लिए चुनाव लड़ना तो कुछ नहीं है, मूंगफली छीलने जैसी बराबर चीज़ है। क्या मूंगफली आती ना छिलके वाली, वो छीलने जैसी चीज़ है। तो चुनाव लड़ना, सड़क पर कुछ बेचना, गिटार बजाना इंडिया गेट पर जाकर, पैसा मांगना, वो पियानो बजाना मुँह वाला, बोलो क्या बजाना भैया जी, परदेसी बजा दिया, चलो पैंट ढीला करो, पैंट में से पैसा ढीला करो, 10-10 रुपये निकालो सब लोग, भैया लोग।
जाना और कुछ पैसे भिखारी की तरह मांगना। ये तो भाई ओके रिपोर्ट है, मराठा लाइव हो रहा है, हमारा मराठा लाइव है। चलिए चंदा दीजिए, दो दो रुपया डिनर कीजिए, दारू पिया 200 रुपए का है, 2 रुपए का चंदा दीजिए, आसन चला। हाँ 2-2 रुपए ढीला कर दीजिए, गाने की फरमाइश करने वाला 2-2 रुपए ढीला कर दीजिए, पेन ढीला कीजिए, पेन ढीला करेंगे 2 रुपए का सिक्का निकलेगा, पतलून ढीला कीजिए सब लोग। और बताइए किसको कौन सा सुनना है? बिहार से बाजा बजाते बजाते दिल्ली आया है पैसा बता भाई कौन सा सुनना। ये सब काम भी किया है हमने तो मेरे को तो चल जाता है, मैंने तो अपनी सारी क्या है कि जो इनहिबिशंस हैं जो कायरता है वो छोड़ रखी है। हाँ मैं अभी भी किसी न किसी बाउंडेशन में हूँ, समाज की बाउंडेशन है, कभी फैमिली की बाउंडेशन है, सरकार की बाउंडेशन है, कानून की बाउंडेशन है, ठीक है, लेकिन मैं जितना कर सकता था ठीक है अपनी तरफ से मैंने अपनी सारी बेड़ियाँ तोड़ी हैं, जो भी साइकोलॉजिकल बेड़ियाँ होती हैं वो सारी मैंने तोड़ी हैं, क्या समझे। तो केशव अरोड़ा जी ने ये महान कृत्य करके दिखाया। अभी एक आदमी सुपीरियर सोसाइटी से भग गया, 2 महीने पहले वो सुपीरियर सोसाइटी में था, उसको मैंने सब्जी बेचने के लिए कहा था तो वो मक्कारी कर रहा था, ठीक है। अभी सब्जी बेचने का काम सखा ने शुरू कर दिया है चंडीगढ़ में, यदि आपको सखा के सब्जी बेचने के काम में कुछ मतलब मैनेजरगिरी का काम करना है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है या जो भी उसमें आपको लगता है कि कोई जगह है यदि है और आप फिट कर सकते हैं अपने आप को वहां पर ले जाकर तो आप सखा से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं केशव अरोड़ा की बात कह रहा था कि जो आदमी इस प्रकार से साइकिल पर भेल बेच सकता है बांसुरी बजा बजा कर, मतलब वो आदमी पीएम लेवल तक का आदमी है, मतलब 20 साल की उम्र में ये आदमी ने ये काम कर दिया और अभी वो सुपीरियर सोसाइटी से जुड़े रहना आवश्यक है। मतलब इसमें भेलपुरी बेचना इतना महान कृत्य नहीं है, सड़क पर बांसुरी बजाना इतना महान कृत्य नहीं है, सड़क पर तो भेलपुरी बहुत लोग बेच रहे हैं और सड़क पर तो बांसुरी बहुत लोग बजा रहे हैं बांसुरी बेचने वाले, लेकिन 11th 12th में साइंस मैथ्स पढ़कर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेकर और सुपीरियर सोसाइटी से एसोसिएटेड रहकर जब आप सड़क पर भेलपुरी बेचने निकलते हैं। अच्छा केशव अरोड़ा ने अभी ये भी कहा कि उनको आयुर्वेदिक साबुन बनाना भी आता है तो वो आयुर्वेदिक साबुन बनाकर भी बेचेंगे, तो ऐसा आदमी मुक्त है। अभी उसका दिमाग चलने लग जाएगा कि मैं और क्या क्या बना सकता हूं और क्या क्या बेच सकता हूं। उसको मैंने एक और प्रस्ताव दिया, तो दुकानों पे जा और दुकानों पर देख कौन सी ऐसी चीज मिल सकती है जो कि ड्यूरेबल है, बेल्ट, लेट्स से बेल्ट, पर्स, रुमाल, टोपी या कुछ भी है, हजारों चीजें दुनिया में वो बिक रही हैं, यदि आप नहीं बेचोगे ना तो कोई ना कोई बेचेगा और अपना काम चलाएगा। मैं तो यहां तक बोल रहा हूं सिर्फ काम चलाने वाली बात नहीं है, इसमें तो पूरी चक्र अवेकनिंग है, मूलाधार चक्र आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, वीरता आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी चला जाएगा। जिस आदमी का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी चला गया उसका मूलाधार चक्र जग गया, और जिस आदमी के अंदर इतना दृढ़ संकल्प आ गया, विल पावर आ गई कि मैं बेल घर पर बनाकर या आयुर्वेदिक साबुन बनाकर या कुछ भी बनाकर बाहर सड़क पर निकलूं, बाहर घर से बाहर निकलूं और कुछ बेचूं। लोग यार ऑनलाइन पैसा कमाने की फाइट मारते रहते हैं, अरे ऑनलाइन पैसा कमाने की फाइट लोग 20 साल से मार रहे हैं, मतलब इतनी भीड़ है यहां पर, कंपिटिशन ही कंपिटिशन है, क्या समझे।
और सड़क खाली पड़ी है, आपका इंतजार कर रही है, आओ ना मेरे पर कुछ आके बेच जाओ ना, तो उस पे आओ, सड़क पर आओ, कुछ बेच जाओ। और जब आपका बेचने का माइंडसेट बनेगा, मतलब यदि आपको इस व्यवस्था में रहना है, नहीं तो फिर चलो आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में, नहीं तो फिर चलो आप मानव चेतना विकास केंद्र में, नहीं तो फिर आप चलो झारखंड के वैदिक हेवन में, वहां पे खेती करो, खेती नहीं करो तो फिर कुछ मानसिक खेती करो, लोगों को ज्ञान पिलाओ, गुरुकुल बन रहा है वहां पर झारखंड में वैदिक हेवन में, मेरे को बुलाया है कि मैं वहां पर पाठ्यक्रम मार्गदर्शक बन के आ जाऊं, प्राचार्य बन के आ जाऊं, लेकिन थोड़ी घर की बेड़ियां हैं इसलिए मैं इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकता, ठीक है। तो लेकिन मैं छलांगे मारता रहता हूं, जो छलांगे मैं मार सकता हूं, मतलब लंबी बेड़ियों की वजह से लंबी छलांग यदि मैं नहीं मार सकता हूं तो मैं छोटी छोटी छलांगे मार सकता हूं। बुरे से बुरे वक्त में सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते रहना, यह संदेश दिया था मैंने गुलामों का समाज में महत्व नाम से जो लेक्चर था उसमें। तो वो जैसे मैं जूते बेल्ट रुमाल की बात कर रहा था, आप दुकानदारों के पास जा सकते हैं, बोलते कि तेरे पास ही माल पड़ा हुआ सड़ रहा है, ये 5 बटुए, ये 5 बेल्ट, ये 10 रुमाल मेरे को दे दे, पैसा नहीं दूंगा, इसको बेचूंगा, ये बिकेगा तो मैं, समझ रहे, मैं तेरे को पैसा दूंगा, बाकी का सामान वापस लौटा दूंगा। मना करेगा तो अगले के पास जानेगा, मना करेगा तो और अगले के पास जानेगा, फिर अगले के पास जानेगा, फिर 5 मना कर देंगे, फिर अगले 20 के पास जानेगा, ये 20 मना कर देंगे, फिर अगले 30 के पास जानेगा, अगले 50 के पास जानेगा, 100 के पास जानेगा, 500 के पास जानेगा, इतना जानेगा कि अटेम्प्ट मार मार के मर जाने का। क्यों मर जाने का? क्योंकि यदि वो नहीं करने का ना, तो जिंदगी एकदम भरी रहेगी जिल्लत से, और जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है कि मर जाओ, या तो वैसे ही मर जाओ, आप आत्महत्या करके मर जाओ, कि कुछ कर्म करके मर जाओ, कर्म करते करते मर जाओ, पूछ पूछ के मर जाओ। हाँ भाई, तू मेरे को बेचने के लिए देगा क्या? तू देगा क्या बेचने के लिए? तू देगा क्या? नहीं बिकेगा तो वापस ला के दूंगा। तू देगा क्या? उसके दुकान के सामने ही खड़े होके बेचने लग जाओ, कौन दुकानदार मना करेगा? उसको डेमो दे दो क्या? तो ये डेमो देने का मेरा बड़ा मन करता है, लेकिन अभी मेरे को महत्ता लगती नहीं यार, मैं क्या किसी का जूता रुमाल बेल्ट क्या साड़ी क्या बेचूं, उसमें क्या है? लेकिन ये सड़क पर खड़े होके चिल्लाने का मेरा बहुत मन करता है, इसलिए राजसमंद में चुनाव आए थे ना, उधर सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया से एक भी हरामखोर नहीं गया ना मेरे साथ, वहीं का एक आदमी ढूंढ के निकाला मैंने, वो भी थोड़ा व्यस्त था। तो राजसमंद के चुनाव में मैं ही टी शर्ट और कच्चा पहन के, मतलब मैं ही पैम्फलेट बांट रहा हूँ 20-20 पन्नों वाले राइट टू रिकॉल के, और खुद ही चिल्ला रहा हूँ राइट टू रिकॉल पार्टी 6 नंबर कुकर, वोट वापस लेने का अधिकार जिस किसी नेता को आपने चुनकर भेजा है, उसने आपका माँ जिसको आपने विधायक बनाया है, जिसको आपने सांसद बनाया है, पार्षद बनाया है, और बनने के बाद जिसने आपका माल लूट लूट के खाया है, ऐसे कर खुद चिल्ला रहा था मैं, मार्केट में घुस गया था, दुकान के बाहर खड़े होकर मैं चिल्ला रहा था, यही कि ये भाषा में बोल रहा था, मेरे को बड़ा मन कर रहा था, चक्र खुल जा रहे थे एकदम से, जो बंद चक्र है ना, बंद चक्र अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, इस समाज में रहने मात्र से आपके चक्र ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, आपको ऐसी बड़ी बड़ी छलांगें मारनी पड़ती हैं, और यदि अब कोई समाज या परिवार या कानून आप पर दबाव बना रहा तो छोटी छोटी छलांगें मारनी पड़ती हैं। तो चुनाव लड़ना मेरे लिए छोटी छलांग थी क्या? और केशव अरोड़ा के लिए ये भेल बेचना ये एक बड़ी छलांग थी जो उसने मार दी, मेंटल जो छलांग मार सकते उतनी मार देनी, क्योंकि उसके माँ बाप ने मना नहीं किया था, माँ बाप यदि बोल के रखते कि नहीं मारेगा, नहीं छलांग मारेगा, नहीं करेगा, नहीं बेचने देंगे, तो फिर वो नहीं कर पाता बेचारा, उसको छुप छुप के करना पड़ता। जैसे छुप छुप के लोग सब तरह काम करते हैं, शराब पीते, सिगरेट पीते, गांजा मारते हैं, फिल्में देखते हैं, कॉलेज बंक करके जाते हैं, वैश्यावृत्ति करते हैं, वैसे छुप छुप के उसको सुपीरियरिटी का कार्य करना पड़ता, ठीक है। तो ऐसा मेरा कहना है। तो ये केशव अग्रवाल, केशव अरोड़ा जी हैं यमुना नगर से, उन्होंने ये महान कृत्य करके दिखाया है। ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ, और केशव अरोड़ा के बारे में दुनिया को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप भी देखें कि आप सड़क पर आकर क्या बेच सकते हैं। सब्जी बेच सकते हैं क्या? फल बेच सकते हैं क्या? साबुन बेच सकते हैं क्या? अगरबत्ती बेच सकते हैं क्या? मैं तो बोलूँगा सिगरेट भी बेच सकते हैं क्या? क्या ये एक्चुअली ये फैक्ट है। 2000
2018 दिसंबर में मैं और सागर मुंबई गए थे, तो मुंबई के जो वो सी है ना, क्वीन नेकलेस, वहां पर जाकर हम लोगों को पूछ भी रहे थे, मतलब ट्राई कर रहे थे, जो भी बंदे दिख रहे थे रात के 9 बजे, हाँ भाई सिगरेट चाहिए क्या, सिगरेट पाजे तुम्हारा, सिगरेट चाहिए, हमारे पास थी नहीं, बट ट्राई करने के लिए कि लोग कैसे मतलब मुंबई आ जाते हैं और कुछ भी काम करते हैं, या तो भीख मांगते हैं या फिर तेल चंपी करते रहते हैं, सिगरेट पिलाते रहते हैं, भेलपूरी खिलाते रहते हैं, वड़ा पाव खिलाते रहते हैं, कुछ भी आके बंदे करते हैं। तो वो मतलब सागर भी उसी प्रकार का आदमी है, जहां से जैसे पैसा बने वो कमा लेता है। तो मेरे अंदर तो वो कभी चाह रही नहीं, क्योंकि मेरे को जरूरत भी नहीं रही, क्योंकि ये सारी जो मेहनत है ना हमने पढ़ाई के टाइम पे कर ली, उससे हमारे को ब्रांड मिल गया, और ब्रांड से हमारे को नौकरी आज 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की मिनिमम आज भी पद की है, ठीक है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि कुछ समाज के लिए कुछ अपना कर्तव्य है वो मैं निभाऊँ, ताकि जो समाज है मेरे प्रति वो कर्तव्य निभाए, ठीक है, मेरे जीवन यापन और बेसिक जो मेरी भी एक्सपेंसेस वो समाज देखे, उसके लिए मुझे को सामान बेचना ना पड़े। आप मुझे कैपिटलिस्ट मत बनाओ, व्यापारी मत बनाओ मुझे, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि जो शिक्षक है ना वो शिक्षक बना रहे, वो समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, इसलिए शिक्षक को व्यापारी बनना पड़ता है। बट कमिंग बैक टू ग्रेटेस्ट सुपीरियर दैट आई हैव एवर फाउंड इन सुपीरियर सोसाइटी, वो केशव अरोड़ा है। तो आप इनसे प्रेरणा लीजिए और आप भी सड़क पे उतर जाइए कुछ भी बेचने के लिए, उस बेचने से जो पैसे आए उसमें आप सुपीरियर सोसाइटी को आप अपना आर्थिक कर्तव्य निभाइए और स्वयं जीवन में एक नए मुकाम पर पाइए, क्योंकि जो करोड़ों गुलाम है ना उनकी जिंदगी और मेंटल एनर्जी तो इसी में निकल जाती है, कमाएंगे कहां से और खाएंगे कहां से, उससे आप ऊपर उठ जाओगे, उसके वो ऊपर आप उठ गए ना बा तो पूरा आसमान खुला है, वाह क्या वाह, पूरा आसमान खुला है। नमस्ते।